नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती भारद्वाज फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि बनारस में बहुत ही जल्द रोपवे का कार्य शुरू होने वाला है, जो कि उसको बनने में पूरे 2 साल लगेंगे, यानी कि 24 महीने लगेंगे। और जानिए कि अभी क्या होने वाला है रोपवे के लेकर के। तो आपको बता दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर में बनेगा पहला वाराणसी शहर, जो कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे ही रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनेगा वाराणसी। बताया जा रहा है कि बनारस शहर को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा आवश्यकता थी, इसलिए एक व्यापक गतिशीलता योजना के अनुसार यातायात में सुधार लाने के लिए ही रोपवे सिस्टम एक जरूरी विकल्प है। इसलिए बनारस शहर में बहुत ज़रूरत हो गया है रोपवे का, जिसकी वजह से बहुत ही यहाँ पर सक्रिय गलियों होने की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है, जिसकी वजह से ऊपर से काशी का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखेगा और जाम से थोड़ा सा राहत भी मिलेगा। और वहीं बता दूं कि रोपवे सेवा को लेकर के मंजूरी भी हो चुकी है। प्रक्रिया 11 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, जो कि इसका प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट काशी के लोगों के लिए 4,500 की क्षमता के साथ ही PPP मॉडल पर आधारित होगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं कि वाराणसी रोपवे की जो शुरुआत है कैंट रेलवे स्टेशन से साजन तिराहा, रथ यात्रा और गिरजाघर चौराहे को कवर करते हुए 3.45 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना के लिए 24 महीने की समय सीमा तय की गई है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।